अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे एक उर्दू में प्रोफेशनल थंबनेल बना सकते हैं। तो इस वीडियो को मैंने 5 स्टेप के अंदर कवर किया हुआ है। पहले स्टेप के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं। दूसरे स्टेप के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे बैकग्राउंड को प्लेस कर सकते हैं। तीसरे स्टेप के अंदर हम इमेज को इम्पोर्ट करेंगे, उसका बैकग्राउंड मूव करेंगे। फोर्थ स्टेप के अंदर हम थंबनेल को खूबसूरत बना तो फाइनली पांचवे स्टेप के अंदर हम उसको एक्सपोर्ट कर देंगे। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले अडोबी फोटोशॉप खोल लें और क्रिएट पर क्लिक करें। जो सी सेटिंग है वो आप चेक कर लें, सिंपली क्रिएट पर क्लिक कर दें। डॉक्यूमेंट बनाने के बाद फाइल पर जाएं, प्लेस एम्बेडेड पर क्लिक करें और जो भी आपके पास इमेज है आप उसको इंपोर्ट करके और रिसाइज कर लें। रिसाइज करने के लिए कंट्रोल टी को होल्ड करें। साइज करने के बाद फिल्टर पर जाएं, ब्लड पर जाएं, गाशियन ब्लड पर जाएं और यहाँ से इसका रेडियस बढ़ा दें। उसके बाद नीचे यहाँ से एक्सपोजर एडजस्टमेंट लेयर पर जाएं और यहाँ से एक्सपोजर कम कर दें और कैमरा करेक्शन को थोड़ा सा इंक्रीज कर दें और फाइनली लेयर को खोल लें और तमाम लेयर को सिलेक्ट करके ग्रुप कर दे और रिनेम करके बैकग्राउंड नाम लिख दे। फोटोशॉप के अंदर उर्दू लिखने के लिए हमें एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है जिसका नाम इन पे जाए। तो गूगल पर जाए और इन पे डाउनलोड सर्च करें और पहली वेबसाइट को आप ओपन कर लें। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और सिंपली यहां से आप डाउनलोड कर दें। डाउनलोड करने के बाद इसको ओपन करें और फाइल पर जाए, न्यू पर जाए और डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लें और जो आप जो उर्दू लिखनी है उसको आप लिख लें। लिखने के बाद फाइल पर जाए, एक्सपोर्ट पेज पर जाए, ब्राउज पर जाए और यहां से अपना रीनेम दे दें। जहाँ पर आपने सेव करना वहाँ सेव कर दें और सेव एज टाइप वाले ऑप्शन को आप चेंज कर दें। जो नीचे वाला है उसको आप सेलेक्ट कर ले और जो भी आपने नाम देना वो आप दे ले और ओके पर क्लिक कर दे। ये करने के बाद अपने सॉफ्टवेयर पर जाएं और यहाँ से वो वाली फाइल आप ओपन कर ले उर्दू वाली और सिंपली सिलेक्शन टूल लेके आप सेलेक्ट करें। याद रहे कि आपकी लेयर सेलेक्ट हो और उसको मूव टूल से मूव करके अपने प्रोजेक्ट पर ले जाएं। इसी तरह मैं जल्दी से तमाम टेस्ट को अपने प्रोजेक्ट में ले जाता हूँ। अब जल्दी से इन टेस्ट को रिनेम कर दें। तो अब बारी है फोटोशॉप के अंदर तस्वीरें डालने की। तो सिंपली फाइल पर जाएं, ओपन पर क्लिक करें और जो आपके पास इमेज है आप उसको इंपोर्ट कर लें। इंपोर्ट करने के बाद यहां से आप क्विक सिलेक्शन टूल लें और उस पर आप सिलेक्ट सब्जेक्ट पर क्लिक कर दें जिससे ये ऑटोमेटिकली चेक कर लेगा और अगर कोई कमी पेशी हो तो आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। जल्दी से एडजस्ट करने के बाद लेयर वाले पैनल के अंदर नीचे एक लेयर मास्क का ऑप्शन होगा, सिंपली इसको आप क्लिक करें, इससे इसका बैकग्राउंड मूव हो जाएगा। तो जैसा आपको अच्छा लगे आप उसको वैसे रिसाइज कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले ये जो सा टेक्स्ट है इसको मैं ब्रांडिंग ऑप्शन पर जाकर और यहाँ से कलर वगैरह सेलेक्ट करके मैं इसका कलर वाइट कर रहा हूँ ताकि ये सही तरह विजिबल हो और यहाँ पर अपनी इमेज इंपोर्ट करके और इसको जल्दी से एडजस्ट कर लें। ये करने के बाद आप इसको अपनी मर्जी से जल्दी से एडजस्ट कर लें। मैं यहाँ से थोड़ा सा स्किप कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर इमेजेस इंपोर्ट कर रहा हूँ क्योंकि ये इस्लामिक थंबनेल है जिसके लिए मैं
गुंबद खजरा वाली इमेज, कुरान मजीद वाली इमेज, इस तरह की दो तीन इमेज में इम्पोर्ट कर रहा हूँ। और जहाँ पर आपको अच्छा लगे आप इसको रिसाइज कर दे। और याद है कि राइट बॉटम पर कुछ भी आप टेक्स्ट ना लिखें, क्योंकि जब वहाँ पर ड्यूरेशन शो होता है। तो मैं जल्दी से इसको रिसाइज कर देता हूँ। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दे और साथ में दी गई घंटी के निशान को भी क्लिक कर दे, ताकि मेरी याद आने वाली अपडेट आपको जल्द अज जल्द पहुँच सके। आपको जैसे अच्छा लगे आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। किसी भी टेक्स्ट को खूबसूरत बनाने के लिए आप ब्लेंडिंग ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। वहां से आप स्ट्रोक, बेवल्स, सेटिन, डार्क शेडो, आउटर ग्लो, इनर ग्लो, तमाम आप जो उनसे ब्लेंडिंग ऑप्शन है इनको आप यूज करके आप अपने टेक्स्ट को एक ऑसम लुक दे सकते हैं। तो अब बारी है कि थंबनेल को एक्सपोर्ट कैसे करना है। तो इसके लिए फाइल पर जाएं, एक्सपोर्ट पर जाएं और एक्सपोर्ट क्विक एज़ पीएनजी पर आप क्लिक कर दें, और जहां पर आपने इसको सेव करना है वहां पर आप सेव कर दें और बस डन। We'll be right back.